गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं डॉक्टर सविता शुक्ला, असिस्टेंट प्रोफेसर, पेंटियम पॉइंट टेक्निकल कॉलेज रीवा। आज ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। जैसा कि इस समय लॉकडाउन चल रहा है और आप लोगों के एग्जाम नहीं हो पा रहे हैं, इसीलिए छात्र हित को ध्यान में रखते हुए रिस्पेक्टेड सीएमडी सर और एडी सर के द्वारा ये निर्णय लिया गया कि ऑनलाइन क्लास के माध्यम से फिर से कुछ आपको कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक क्लियर किए जाएं, ताकि आप घर बैठे लाभ ले सकें और अपनी पढ़ाई जारी रख सकें। तो चलिए हम आज टॉपिक लेते हैं तटस्थता वक्र विश्लेषण, इन डिफरेंस कर्व। जैसा कि मार्शल ने कहा था कि उपयोगिता को मापा जा सकता है, मतलब उपयोगिता को मुद्रा रूपी पैमाने से मापा जा सकता है। एक उपभोक्ता किसी वस्तु को खरीदने के लिए जितनी मुद्रा देता है, वह उससे मिलने वाली उपयोगिता को व्यक्त करता है। दूसरी तरफ पैरेटो, एलन, हिक्स, एजवर्थ जैसे अर्थशास्त्रियों ने कहा कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता, क्योंकि एक मनोवैज्ञानिक धारणा है। इसके लिए उन्होंने कहा कि उसको एक क्रम सूचक संख्याओं में व्यक्त किया जा सकता है, क्रम वाचक या क्रम में उसको प्रस्तुत किया जा सकता है। मतलब जैसे कोई उपभोक्ता किसी वस्तु को ज्यादा महत्व देता है तो वो उसको ऊंचा क्रम देगा, यदि कम महत्व देता है तो उसको नीचा क्रम देगा। तो इस तरह से उदासीनता वक्र विश्लेषण से तात्पर्य होता है कि दो वस्तुओं के उन विभिन्न संयोगों को बताता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है, और वो उन संयोगों में से यदि किसी एक संयोग को चुनता है तो उसे सारे संयोगों के प्रति तटस्थ हो जाता है या उदासीन हो जाता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण कुछ मान्यताओं को लेकर चलता है। जैसे इसमें ये माना जाता है कि जो उपभोक्ता है एक विवेकशील प्राणी है, मतलब उपभोक्ता हमेशा सोच विचार कर कम उपयोगी वस्तुओं के स्थान पर अधिक उपयोगी वस्तुओं का उपयोग करता है। जैसे इसमें ये माना जाता है क्रमवाचक दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है, मतलब इसमें उपयोगी जो उपभोक्ता है कि उपयोगिता को मापा नहीं जा सकता है, एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, इसके केवल इसको एक क्रम दिया जा सकता है, ऊंचा क्रम नीचा क्रम। फिर इसमें ये चीज हम मान के चलते हैं कि जो हम उपभोक्ता जो वस्तु लेता है वो करने के लिए वो वस्तु विभाजनी है, मतलब उनको विभिन्न भागों में विभाजित किया जा सकता है। फिर इसमें एक मान्यता और लेके चलते हैं जो सबसे महत्वपूर्ण है कि जो उपभोक्ता है घटती हुई दर से प्रतिस्थापन करता है, मतलब यदि किसी वस्तु को पाने के लिए जैसे किसी वस्तु की संख्या वो बढ़ाना चाहता है तो जो वस्तु उसके पास ज्यादा मात्रा में है तो वो घटती हुई दर से उसकी जगह में वो प्रतिस्थापित करेगा। तो हम इसको कुछ टेबल और डायग्राम की सहायता से स्पष्ट कर सकते हैं। तो चलिए टेबल की सहायता से हम देखते हैं। इस टेबल में हमने चार कॉलम लिए हैं। पहले कॉलम में हमने संयोग दिखाया है, दूसरे कॉलम में एक्स वस्तु, तीसरे में वाई वस्तु और चौथे में सीमान प्रतिस्थापन। संयोग में हम पहला संयोग लेते हैं, ए संयोग में उपभोक्ता के पास x वस्तु की 1 इकाई है और y वस्तु की 15 इकाइयां हैं। अब यदि उपभोक्ता b संयोग लेता है तो b संयोग में उपभोक्ता के पास x वस्तु की यदि वो 1 इकाई बढ़ाना चाहता है, 1 से बढ़ाकर 2 करता है, तो उसे y वस्तु की इकाइयों का कुछ का त्याग करना पड़ेगा। तो वहां पर वह y वस्तु की इकाइयों को 5 इकाइयों का त्याग करता है, 15 से घटाकर 10 हो जाती है। फिर यदि वो सी संयोग लेता है तो मतलब उपभोक्ता यदि x वस्तु की 1 इकाई को और बढ़ाना चाहता है, 2 से बढ़ाकर यदि 3 करता है, तो यहाँ पर उसको y वस्तु की मात्रा में कमी करना पड़ेगा। अब पहले वो 5 किया था और अब 4 इकाइयों को त्यागता है, मतलब 10 से घटकर 6 हो गए। अब यदि डी संयोग को लेते हैं तो डी संयोग में उपभोक्ता एक्स की 1 इकाई को और बढ़ाने के लिए, चौथी इकाई पाने के लिए वो वाई वस्तु की मात्रा में फिर कमी करता है, मतलब अब 6 से घटकर 3 हो गए। मतलब उसने अब जहां पहले 4 किया था अब केवल 3 इकाइयों का कमी करता है। इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि y वस्तु की मात्रा पहले उसके पास ज्यादा है और x वस्तु की मात्रा कम हो, तो y की मात्रा ज्यादा होने के कारण उससे मिलने वाली उपयोगिता उसको कम लगती है, और x वस्तु कम है तो उससे मिलने वाली उपयोगिता उसको ज्यादा है। तो यहाँ पर वो x वस्तु की मात्रा को जब बढ़ाता है और y वस्तु की मात्रा में कमी करता है, तो जैसे जैसे कमी करता जाता है उससे मिलने वाली उपयोगिता बढ़ती जाती है। दूसरी तरफ x वस्तु की मात्रा में जैसे जैसे वृद्धि करता है उससे मिलने वाली उपयोगिता घटती जाती है, और यही कारण है कि यहाँ पर वो जो प्रतिस्थापन कर रहा है
वो घटती हुई दर से घटता है। पहले 5:1, फिर 4:1 और फिर 3:1। इसी चीज को हम चित्र की सहायता से भी स्पष्ट कर सकते हैं। जैसे हमने x अक्ष पर x वस्तु लिया है और y अक्ष पर हमने y वस्तु लिया है। IC हमारा इंडिफरेंस कर्व है। इस इंडिफरेंस कर्व में हमारे 4 संयोग हैं, A संयोग, B, C और T। ये 4 संयोग, उन संयोगों को, ये जो IC इंडिफरेंस कर्व है, ये उन चारों संयोगों को स्पष्ट करता है जिससे उपभोक्ता को एक समान संतुष्टि मिलती है। जैसे यदि हम A संयोग लेते हैं, A संयोग में उपभोक्ता के पास y की 15 इकाइयां हैं और x की 1 इकाई है। यदि हम b संयोग लेते हैं तो उपभोक्ता x की 1 इकाई को बढ़ाने के लिए वो y की कुछ मात्रा में कमी करता है, तो 15 से घटा के उसने 10 कर दिया। इसी तरह से यदि x का c संयोग लेते हैं तो x की 1 इकाई और बढ़ाता है, 2 से बढ़ा के 3 करता है, तो वहां पर वो y वस्तु की इकाइयों में कमी करता है, यहाँ पर 10 से घट के उसके पास 6 इकाई होते हैं। अब यदि हम d संयोग लेते हैं तो x वस्तु की 1 इकाई और बढ़ाने में, मतलब यहाँ से बढ़ के 3 से 4 इकाई करने पर, उसे वो y वस्तु की मात्रा में कमी करता है, यहाँ पर 6 से घटा के उसने 3 कर दिया। मतलब जैसे जैसे x वस्तु की मात्रा को बढ़ाता जाता है, y वस्तु की मात्रा में कमी करता है ताकि वो संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहे। तो इसीलिए इन डिफरेंस कर्व हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। अब इनकी विशेषताएं देखते हैं। विशेषताओं में पहली विशेषता यही है कि उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है, स्लोप डाउनवर्ड होता है। आईसी उदासीनता वक्र है, ये देख रहे हैं आप चित्र में कि ये बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ है। इसमें जितने भी संयोग हैं ए बी सी डी, इन संयोगों से हमको एक समान संतुष्टि मिलती है। ये संतुष्टि के एक समान पाने के लिए या संतुष्टि के उसी स्तर पर बने रहने के लिए यदि वो एक वस्तु की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरे वस्तु की मात्रा में कमी करता है। इसमें हमने यही देखा कि यदि वो x वस्तु की इकाइयों में वृद्धि करता है तो y वस्तु की मात्रा में कमी करता है ताकि वो संतुष्टि के उसी स्तर पर बना रहे। इसीलिए उदासीनता वक्र बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। ये हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। इसको सिद्ध करने के लिए हम कुछ विशेषताएं ले रहे हैं। जैसे पहली विशेषता है कि तटस्थता वक्र ऊपर उठती हुई नहीं हो सकती, अपवर्ड नहीं हो सकता है। जैसे इसको स्पष्ट करने के लिए हम एक चित्र ले रहे हैं। चित्र में हम देख रहे हैं x अक्ष पर हमने x वस्तु दिखाया है, y अक्ष पर हमने y वस्तु की मात्रा दिखाया है। IC हमारा उदासीनता वक्र है, इसमें A और B ये दो संयोग हैं। यदि हम A संयोग को लेते हैं तो इसमें हम देखते हैं कि उपभोक्ता के पास x वस्तु की ON मात्रा है और y वस्तु की OP मात्रा है। अब यदि वो B संयोग को लेते हैं तो x वस्तु की मात्रा ON से बढ़ा के ON1 कर देता है और y वस्तु की मात्रा OP से बढ़ा के OP1 कर रहा है। मतलब बी संयोग में वो x वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि करता है और y वस्तु की मात्रा में भी वृद्धि करता है, और इसीलिए उदासीनता वक्र ऊपर की ओर उठता हुआ है, जो ऐसा कभी नहीं होता। फिर तीसरा है कि तटस्थता वक्र लंबवत नहीं हो सकता है। लंबवत क्यों नहीं होता है, इसको स्पष्ट करने के लिए हम ये चित्र ले रहे हैं। इसमें हमने भी x अक्ष में फिर वही x वस्तु की मात्रा और y अक्ष में हमने y वस्तु की मात्रा दिखाई है। इसमें भी IC हमारा उदासीनता वक्र है, जिसमें A और B दो संयोग हैं। अब यदि हम A संयोग को ले लें तो यहाँ पर हम देख रहे हैं कि उपभोक्ता के पास x वस्तु की ON मात्रा है तो y वस्तु की OP मात्रा है। अब यदि उपभोक्ता A संयोग से B संयोग की ओर जाता है तो x वस्तु की मात्रा को तो उसने स्थिर किया ON ही है, लेकिन y वस्तु की मात्रा को OP से बढ़ा के उसने OP बंद कर दिया। तो एक की मात्रा को स्थिर रखकर जब y की मात्रा को बढ़ा रहा है तो वो संतुष्टि के उसी स्तर पर समान नहीं बना रह सकता। उदासीनता वक्र इसीलिए ये y अक्ष के समानांतर है, जो कभी ऐसा होता नहीं, मतलब तटस्थता वक्र कभी भी लंबवत नहीं हो सकता। तीसरी विशेषता ये है कि तटस्थता वक्र क्षैतिज नहीं हो सकता। क्षैतिज का मतलब उदासीनता वक्र कभी भी x अक्ष के समानांतर नहीं हो सकता, जैसा कि इसमें चित्र की सहायता से है। इसमें भी हमने x अक्ष पर x वस्तु की मात्रा दिखाई है, y अक्ष पर हमने y वस्तु की मात्रा दिखाई है। इसमें हम IC हमारा उदासीनता वक्र है, जिसमें A और B दो संयोग हैं। यदि हम A संयोग को लेते हैं तो A संयोग में उपभोक्ता के पास x वस्तु की ON इकाई है और y वस्तु की OP इकाई है।
अब यदि उपभोक्ता ए से बी संयोग पर जाता है तो यहाँ पर x वस्तु की मात्रा ओ एन से बढ़ के ओ एन वन हो गई, लेकिन वहीं पर y वस्तु की मात्रा OP है, मतलब y की मात्रा को उसने स्थिर किया है लेकिन x वस्तु की मात्रा को उसने क्या किया, बढ़ा दिया। तो ये भी ऐसा नहीं होता है, क्योंकि यदि हमको संतुष्टि के उसी स्तर पर उपभोक्ता को बने रहना है तो वो यदि एक की मात्रा को बढ़ाता है तो दूसरे की मात्रा में कमी करता है, और यहाँ पर उसने x वस्तु की मात्रा को बढ़ा रहा है और y वस्तु की मात्रा को स्थिर किया है, इसीलिए ये x अक्ष के समानांतर है, जो ऐसा नहीं होता। इसीलिए उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। एक विशेषता ये है कि उदासीनता वक्र कभी भी एक दूसरे को काटते नहीं है। क्यों नहीं काटते हैं? क्योंकि अलग अलग उदासीनता वक्र संतुष्टि के अलग अलग स्तर को दिखाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं IC1 एक उदासीनता वक्र है और IC2 दूसरा उदासीनता वक्र है। ये दोनों संतुष्टि के अलग अलग स्तर को बताते हैं, इसीलिए ये कभी एक दूसरे को काटते नहीं। यदि मान लीजिए इन्होंने P बिंदु पर काटा, तो P बिंदु पर काटने का मतलब है कि इन दोनों उदासीनता वक्रों से उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती, जो ऐसा कभी हो ही नहीं सकता है। इसी तरह से इसकी कुछ और विशेषताएं हैं कि जैसे कि उदासीनता वक्र कभी किसी अक्ष को स्पर्श नहीं करता है। यदि उसने मान लीजिए एक्स अक्ष को स्पर्श कर लिया, मतलब एक्स अक्ष की अधिक मात्रा चाहता है और वाई वस्तु की बिल्कुल मात्रा नहीं चाहता। यदि इसीलिए मान लीजिए जो उदासीनता वक्र है वाई वस्तु को स्पर्श कर लिया, मतलब वो वाई वस्तु की अधिक मात्रा चाहता, एक्स वस्तु की बिल्कुल मात्रा नहीं चाहता। तो उदासीनता वक्र हमेशा बाएं से दाएं नीचे की ओर गिरता हुआ होता है। उदासीनता वक्र का कुछ महत्व भी होता है। तटस्थता वक्र विश्लेषण महत्वपूर्ण है। तटस्थता वक्र विश्लेषण महत्वपूर्ण क्यों है? उपभोग के क्षेत्र में इसका महत्वपूर्ण स्थान है, इसका महत्व विनिमय के क्षेत्र में भी है, इसका कर निर्धारण में भी महत्व है, राशनिकी वस्तुओं को निर्धारित करने में महत्व है, विनिमय के क्षेत्र में महत्व है। तो उदासीनता वक्र विश्लेषण का अर्थशास्त्र में बहुत अधिक महत्व है। थैंक यू।